मैं एक आज़ाद उम्मीदवार सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो मैंने एक सुरनकोट के अवाम के लिए, ख़ासकर नौजवानों के लिए एक मैनिफेस्टो तैयार किया है और इंशाल्लाह ताला इस पे पूरे तरीके के साथ इस पर अमल किया जाएगा, जिसमें हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए है, मेरे नौजवानों के लिए कुछ इसमें स्पेशल पैकेजेस हैं, यूथ के लिए खासकर इसमें एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, रोड्स हैं और वाटर क्राइसिस है वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं जितने भी मेरी सुरनकोट के लोग हैं हमारी कंस्टिट्यूंसी के, मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम जो हमने ये आज अपना मैनिफेस्टो हमने जारी किया है, इसके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं, तो और फिर मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मेरा निशान गैस सिलेंडर है, इसके ऊपर आपने 25 तारीख को मोहर लगानी है, ताकि जो मैंने अपने मैनिफेस्टो में चीज़ें दी हैं उनके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला ये काम कर सकूं और आपकी पूरी तौक़वात पे यानी खरा उतर सकूं। यही मैंने आपसे कहना था, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एक ये व्हाट्सएप नंबर है फॉर डिजिटल कापी, ये व्हाट्सएप इसका ये फ़ोन नंबर है, मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि वो उसको लिख लें, 9541876171, ये इसका व्हाट्सएप नंबर है, जिसको भी जो भी जानकारी लेनी है कुछ भी है वो इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल करेंगे या हमें मैसेज करेंगे, उसको पूरे तरीके से जवाब दिया जाएगा। अकरम साहब ने बताया है आप डिजिटल कॉपी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर रबता करके इस मैनिफेस्टो का डिजिटल कॉपी जो है वो हासिल कर सकते हैं, और हमारा जो यहाँ जो है वो मैनिफेस्टो का जो है ग्रुप्स है उसमें आप हार्ड कॉपी भी यहाँ से लेके जो है वो इसको पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह मोहतरम अकरम साहब और उनकी पूरी टीम कोशिश करेगी अल्लाह के फजल करम से कि इस मैनिफेस्टो पर हमारे लीडर जो है वो पूरे उतरें, लेकिन आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, आप लोगों के तावन की ज़रूरत है। एक बार फिर हम सुरनकोट की आवाम से गुजारिश करते हैं कि आप 25 तारीख को जोक दर जोक चौधरी मोहम्मद अकरम साहब के हक़ में वोट डालकर उनकी हिम्मत बढ़ाएं, ताकि सुरनकोट की आवाम के लिए जो मैनिफेस्टो बनाया गया है इस पर पूरा उतर के सुरनकोट के सारे क्राइसिस ख़त्म किए जाए। कैसे तो बटन दबा दे उसे नच दावा उसे नच।